हाईगेट कब्रिस्तान। इसे उत्तरी लंदन में 1839 में बनाया गया था, जिसमें लगभग 1,70,000 लोगों को दफनाया गया। ये काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी विख्यात है। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखने का दावा किया है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती थी, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया वो था सन 1970 में, जब स्कूल की दो छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठे देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां एक आदमी जैसा कोई बैठा हुआ कब्र से शव को निकाल कर उसका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा, जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण दिख नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साय ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतना देख वो दोनों वहां से भाग गए।